नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि लगातार झारखंड को लेकर हम एक सीरीज दिखाएंगे जब तक कि विधानसभा चुनाव वहां चल रहे हैं या जब तक समाप्त नहीं हो जाते। जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये कि झारखंड में 15 से 17 तारीख के बीच आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदलेंगे। अपने पिछले सीरीज में हमने चर्चा की थी भाजपा गठबंधन की, यानी एनडीए की। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या हो रहा है और कांग्रेस में क्या हो रहा है। और हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार आनंद जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद प्रसून जी। सबसे पहले बताइए कि सीट शेयरिंग वगैरह को लेकर इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, क्योंकि सुनने में आया था कि अभी हाल ही में हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे राहुल गांधी से मुलाकात करने। क्या कुछ चल रहा है वहां? जी, जो खबरें आ रही हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ा प्रेशर बना रहा है कि कांग्रेस थोड़ा कंप्रोमाइज करे, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह के परिणाम आए हैं उसको देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में थोड़ी चिंता बढ़ गई है कि अगर यही स्थिति रही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सत्ता में वापसी की संभावनाएं हैं उन पर ग्रहण लग सकता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 सीटें जीती थी। इसका मतलब स्ट्राइक रेट देखें तो लगभग 70% का स्ट्राइक रेट है। वहीं कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी थी और 16 सीटें उसको मिली थी, तो ये 50% से थोड़ा ज्यादा है। और दूसरी तरफ आरजेडी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसको एक सीट मिली थी, जो करीब 14% बनता है। तो इसको देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी ये बात उठने लगी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े, ताकि अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी या कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दम पर करीब अगर 35 सीटें 36 सीटें ले आता है तो सरकार बनाने की संभावनाएं उसकी बनी रहेंगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अभी बात चल रही है। राहुल गांधी से बात मुलाकात हुई, खड़गे से मुलाकात हुई हेमंत सोरेन की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस मानेगी क्या, क्योंकि कांग्रेस कहां तक अपना ग्राउंड लूज करेगी? किसी जमाने में कांग्रेस 40 के आसपास लड़ती थी, 42 लड़ती थी, फिर 32 पर आई। अब आप कह रहे हैं कि 32 से भी कम, यानी 25-26 देंगे क्या आप इनको? कांग्रेस अपने दम पर लड़के जीत के दिखाए, तब तो 2014 का चुनाव हमने देखा था जब जेएमएम और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़े थे। अब देखिए जेएमएम कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी। हमेशा आप देखिएगा कि सेकंड नंबर पर जेएमएम रहता है, बीजेपी हमेशा पहले नंबर पर रहती है, जेएमएम दूसरे रहता है, उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। तो कांग्रेस आप सही कर रहे हैं, एक समय कांग्रेस की जमीन थी, कांग्रेस सीटों पर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस को आदत हो गई जेएमएम या क्षेत्रीय दलों के कंधे जीतने की, लिहाजा उसका संगठन खराब हो गया। और अभी भी ये कहा जाता है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराते हैं, उन्हें कोई दूसरा नहीं हराता। तो इनके नेताओं का जो हालत है उनको देखिएगा तो आपको लगेगा हर कांग्रेसी नेता, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो या बूथ लेवल का, अपने बाद अगर नेता मानता है तो सोनिया गांधी राहुल गांधी को मानता है, बीच में किसी को नेता ही नहीं मानता है। तो कांग्रेस में खेमेबाजी इतनी ज्यादा है। और दूसरा है कि इसके पहले अभी जो हाल ही में केशव महतो कमलेश को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके पहले 3 साल राजेश ठाकुर चला रहे थे, बहुत एक्टिव थे और बहुत सलीके से और बहुत ताकत से चला रहे थे, लेकिन जब से केशव महतो कमलेश आए हैं आप देखिए संगठन एक बार फिर सुस्त हो गया है और तरह तरह की बातें फिर निकल कर सामने आने लगी हैं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई ज्यादा चारा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर वो दबाव बनाएगी, ये सही बात है, पूरा प्रेशर बनाया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार झुकने की स्थिति में नहीं। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोग इन्हें यहाँ सोया हुआ प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, मतलब कि बहुत कम किसी ने सुना होगा कुछ बोलते हुए। जो प्रभारी हैं वो कश्मीर से बुलाए गए हैं, गुलाम मीर साहब, जिनको झारखंड के बारे में कोई आइडिया नहीं। क्या जानबूझकर कांग्रेस ने एक सोया हुआ प्रदेश अध्यक्ष और अनजान प्रभारी बनाया ताकि हेमंत सोरेन से ज्यादा बार्गेन नहीं कर सके, हेमंत सोरेन डांट भी दे तो चुपचाप सह ले? और ये भी रणनीति है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी जूता मार ले, लेकिन रहेंगे तो आप ही के साथ, आप 20 दे दो, 22 दे दो, 25 दे दो। कांग्रेस के सामने कोई ज्यादा चारा भी नहीं है,
प्रसून जी, मैं देख रहा था आप कुछ दिन पहले दक्षिण छोटा नागपुर के इलाकों में गए थे। आदिवासी इलाकों में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें उसी इलाके में है, और आप बेहतर इस बारे में जानते हैं और बता भी पाएंगे कि वहां क्या स्थिति है। जेएमएम को इस चुनाव में फायदा हो सकता है एक दो सीटों का, नुकसान उसको बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। नुकसान कांग्रेस को होगा और कांग्रेस की वजह से इंडिया अलायंस को नुकसान होगा, और यही चिंता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशान किए हुए है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहता है तो उसकी वजह से कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से बाहर नहीं होना पड़े। और इसलिए आपने देखा कि मैया सम्मान योजना के बाद जब बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लॉन्च की, उसके तुरंत बाद इसकी काट में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ और सरकार की तरफ से जेएमएम सम्मान योजना लॉन्च की गई। सरकार झारखंड में इंडिया अलायंस की है तो फिर जेएमएम सम्मान योजना क्यों लॉन्च की गई? ये अपने आप में बताता है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाएगा। और मुझे जहां तक सूचना है, कांग्रेस को कहा जा रहा है कि आप 25 सीटें ले लीजिए हमसे, कुछ दो चार सीटें आरजेडी के लिए, 4 सीटें कम से कम वाम दलों के लिए दिया जाएगा, बाकी सीटों पर जेएमएम खुद लड़ेगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दी इसलिए हमारा कम सीट आ गया। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एनसीपी का कहना है कि ज्यादा सीट कांग्रेस ले रही इसलिए हम हार जाएंगे। आरजेडी ने तो साफ साफ कहा था कि अगर 70 सीट कांग्रेस को नहीं देते तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दी इसलिए हम और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते। अच्छा, ये कांग्रेस पनौती होगी क्या सहयोगी दलों के लिए, जो क्षेत्रीय दल के लिए, या फिर दोनों की मजबूरी है? कांग्रेस को ढोना उनके लिए मजबूरी है और कांग्रेस की मजबूरी है कि 20 जूते मार लो पर हमें अपने से हटाओ मत, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं, जमीन पर हम है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि उसको अपनी हकीकत बहुत अच्छे से मालूम है, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, तो वो अहंकार उनके अंदर से निकलता नहीं। राष्ट्रीय दल वो है, सेकेंड लार्जेस्ट राष्ट्रीय दल है, लेकिन आज क्या स्थिति है, जो पार्टी 99 सीटें लोकसभा में जीतकर जीत का जश्न मनाए तो उसकी बुद्धि पर आप हंस सकते हैं। वो 240 सीटें बीजेपी को आई तो कह रहे हैं कि मोदी हार गए, और 99 सीटें लाकर कह रहे हैं कि हम जीत गए। तो अब इस बुद्धि की बलिहारी ली जा सकती है, और ये सही बात है क्षेत्रीय दलों के साथ। आपने देखा कि मध्य प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, वहां अखिलेश कुछ सीटें मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दी, बाद में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, तो ये स्थिति है कांग्रेस के नेताओं के साथ, उनका अहंकार ही नहीं जाता है, उनको लगता है कि हम ही देश चलाते हैं, हमारे ही नैरेटिव पर देश चलता है, लेकिन ऐसा अब नहीं है, राजनीति की धारा बिल्कुल बदल गई। झारखंड में कांग्रेस का क्या हाल है अभी, वहां जमीन पे क्या दिख रहा है कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो? देखिए, कांग्रेस जो भी पिछले बार 16 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 31 सीटों पर लड़ी थी, 16 सीटें जीती थी, बाद में जब जेवीएम का स्प्लिट हुआ तो बंधु तिर्की और प्रदीप यादव उसमें चले गए तो 18 सीटें हो गई। बाद में रामगढ़ की सीट जहां उपचुनाव हुआ था वो सीट हार गई कांग्रेस, तो 17 सीटें रह गई। तो ये कांग्रेस लेकिन सीटें जीती थी 2019 में 16 सीटें, अब वो कह रही है कि हमें 33 सीटें दो, कहे कि जो लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी के जो विधायक थे मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तो कांग्रेस अब दावा कर रही है कि हमारे पास तो इतनी सीटें थी पिछली बार, इसमें 2-3 लोग हमारे पास और आ गए तो हमें 33 सीटें दे दो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए तैयार नहीं है। उधर आरजेडी 22 सीटें मांग रहा है, जो पार्टी 8 सीटों पर लड़कर 1 सीट जीती और वो भी उधार के सिंदूर से मांग भरी गई थी। सत्यानंद भोक्ता चतरा से जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघी रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरजेडी से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीत गए। तो एक तरह से देखें तो अगर सत्यानंद भोक्ता नहीं होते तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला होता। अब वैसे लोग मांग रहे हैं कि हमें 20 सीटें दे दो, तो ये सब तो चुनाव के समय दबाव बनाया जाता है ताकि कुछ उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हेमंत सोरेन इस बार ये गलती करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, कब तक ये इंडिया गठबंधन के जितने भी दल है उनके बीच सीट बंटवारे की संभावना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 41-42 सीटों पे कोई कहीं दिक्कत नहीं है, जो जहां से जीता था वो वहां से लड़ेगा, समस्या उन सीटों पे है जहां वो सेकंड पे थे या फिर थर्ड पे थे, कब तक हो सकता है कुछ अंदाजा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई ऐलान होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा
मीडिया में कयास लगते रहे, लोग पिछले दरवाजे से सूचनाएं लीक करते रहे, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि लोकसभा की 14 सीटों पर कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों पर लड़ रहा है। ये कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इस बार में जो सीटों को लेकर जो संघर्ष हो रहा है, इक्का दुक्का करके दोनों दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते रहेंगे, लेकिन मुझे इस बात में संदेह है कि कोई एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या ऐसी कोई सूची जारी होगी जिसे बताया जाएगा कि जेएमएम कितनी सीटों पर लड़ेगा और कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। अच्छा, ये पूछ रहे कहीं दूर दूर तक कोई संभावना है कि आरजेडी अलग हो जाए अगर उसे सीट नहीं मिले तो, या फिर कांग्रेस अलग हो जाए, इस तरह की कोई संभावना है झारखंड में? कांग्रेस अलग होगी इसकी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस अलग होगी तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 55 सीटें मिलेंगी। ये बात मैं कह देता हूं कि अगर कांग्रेस अलग हो गई तो 55 सीटें आएंगी 81 में। लेकिन इसलिए कांग्रेस भी ये बात जानती है कि अगर सत्ता में रहना है या सत्ता में रहने की उम्मीद को बरकरार रखना है तो जेएमएम के पीछे लटकना होगा उनको। आरजेडी की जहां तक बात है तो आरजेडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो आरजेडी हो सकता है कि दबाव बनाने के लिए, जैसा पिछला रिकॉर्ड रहा है कि कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के नाम पर प्रत्याशी खड़ा कर दे, लेकिन बिल्कुल अलग होकर चुनाव लड़े ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। जी आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया झारखंड के इस पर्सपेक्टिव पे बात करने के लिए। हम अलग अलग सीरीज में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।